नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जे वी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी ग्रहों को, या यूं कह लें कि सभी लोगों को, देवताओं को अपने अपने दायित्वों के भान के हेतु एक समिति का गठन करवाया गया है। जैसा कि स्वयं देवराज इंद्र को भी ये कंफ्यूजन था कि ये किसी प्रकार का पुरस्कार है, क्योंकि जब चंद्र को शामिल किया गया तब, लेकिन शनिदेव ने बताया कि ये किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये कर्तव्यों का वहन करने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें चंद्र की अपनी एक भूमिका है, सभी के अपने अपने दायित्व हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नेतृत्व करने के लिए सूर्यदेव को चुना गया था, उन्होंने इनकार कर दिया है, और हम समझ सकते हैं क्योंकि अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है। उन्हें रियलाइज हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उनकी कितनी गलतियां एक साथ उनसे हो गई हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने दायित्व तो नहीं निभाए, उन गलतियों का परिणाम उनकी पुत्रियों और दोनों पुत्रों को भी भुगतना पड़ा है। तो इस पूरे घटनाक्रम से वो टूटे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आपके ऊपर अगर कोई कर्तव्य का भार रखा जा रहा है तो आप उस कर्तव्य के भार से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं? नहीं, अभी बात यह है कि वो उस दायित्व के लिए अपने को मान ही नहीं रहे कि मैं ये दायित्व। क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं सूर्यदेव, तो ये तो पता चलेगा हमें एपिसोड में। तो फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 105 पार्ट 2। मुझे अब ना कोई पद चाहिए, ना शासन और ना ही आसन। देखा शने, जब सूर्य देव ने स्वयं अपना नाम लौटा लिया तो निश्चित है कि इस समिति का प्रमुख मैं ही बन सकता हूँ। मैं ही बनूंगा। नहीं देवराज, आपके पास संभालने के लिए पहले से एक सिंहासन है, और इस समिति का प्रमुख ऐसा होना चाहिए जिसे ना तो कोई पद और ना तो कोई सिंहासन की लालसा, तभी वो निष्पक्ष रूप से शेष सदस्यों को निर्देश दे सकते हैं। इसलिए इस समिति के प्रमुख होंगे सूर्यदेव, जो निष्पक्ष होकर सब में समान रूप से अपना प्रकाश बांटते हैं, वही इस समिति के प्रमुख हो सकते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। इंद्र, सूर्य, शुक्र, अब बस भी करो शनि, मुझे देवत्व दो। मुझे विश्वास है कि सूर्य देव इस उत्तरदायित्व को अस्वीकार नहीं करेंगे। मान भी जाइए। ठीक है शनि, मुझे स्वीकार है। कहाँ गए वो प्रभु कहने वाले चंद्रदेव? प्रभु चिपक के बंदा अभी भी आएगा। अब आप पर से मेरी दृष्टि लौटाने का समय आ गया है सूर्यदेव। कितनी बढ़िया बात दिखाई दी थी जब शनिदेव ने दृष्टि डाली थी, और जब दृष्टि गई तो उन दोनों प्रकरणों को, जब दृष्टि गई तो इनको एक और पदभार मिल गया। सूर्यदेव तो थे ही पहले, अब एक और भला उन अच्छा ही हुआ, सही मार्ग पे आ गए हो। जो सही मार्ग पे तुमने चाहा, आत्ममंथन के पश्चात मुझे आभास हुआ कि मेरे छल का कारण ना जो चंद्र था, ना राहु, और ना ही मेरा परिवार, मेरे अहंकार ने मुझे छका, और आत्मशुद्धि होते ही मुझे एक नया मार्ग, नया उत्तरदायित्व मिला। वाह, यमी ने उचित कहा, तुम्हारी दृष्टि पूरी नहीं, पूरे व्यक्ति के कर्म होते हैं। मैं गलत हुई फिर से? सूर्यदेव, अब आप अपना स्थान ले। नमः,
गर्वाय नमः। ये है शनि की साढ़े सती का फल। इस काल में शनि सबको उनके कर्मों का फल देगा, परंतु अपनी दृष्टि हटाते समय उन्हें एक नया उत्तरदायित्व, एक नया जीवन भी देगा। जैसे यमी को उसकी पवित्रता के कारण देवी का पद मिला, सूर्य देव को आत्ममंथन के पश्चात उनका यश पुनः प्राप्त हुआ, और चंद्र को उसके बुरे कर्मों के कारण पीड़ा तो अवश्य भुगतनी पड़ी, परंतु एक नया उत्तरदायित्व भी मिला। अद्भुत महादेव, अद्भुत। दंड पाने के पश्चात एक नया उत्तरदायित्व, एक नया अवसर, नए जीवन के प्रारंभ का। शनि से बड़ा कोई आचार्य नहीं जो बोलकर नहीं अपितु कर्मों से सीख देता है। शनि पुत्र, और कोई घोषणा शेष है कि सभा यहीं पर समापन की जाए? बोलो शनि, बोलो कि मुझे देव बनाना शेष है। नहीं देव, अब कोई घोषणा शेष नहीं। सभा भंग की जा सकती है। सपना टूटा है तो दिल कहीं जगता, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। रुको, मैंने स्पीच तैयार की है। बोले ना बन जाऊंगा भाई। ये कैसा उपहास है? कैसा उपहास? तुमने कहा था देव बनाओगे, फिर उसकी घोषणा शेष क्यों? वचन से फिरो मत शनि। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम पात्र हो, और तुम्हें वो पद मिल गया। नहीं, मुझे ये पद नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हें देवराज बना दे राहु? देवराज राहु? देवराज राहु? दियार की संतान वर्षों तप कर ले, परंतु वो सिंह नहीं बन सकती राहु। तो असुर थे, असुर हो और असुर ही रहो, और असुर ही रहोगे। तुम्हें कभी भी देव पद नहीं दिया जा सकता राहु। उपहास। ये घातक। बहुत हुआ शनि, अंतिम बार पूछ रहा हूं, मुझे देव बनाते हो या नहीं? अपने पुत्र से कहिए मुझे देव घोषित करें। यह करने का अधिकार कर्म फल दाता शनि के पास भी नहीं है राहु। तुम कभी देव नहीं बन सकते। छल! इंद्रदेव को कहीं ना कहीं से छुट्टी तो मिली जाती है। तुमने इंद्र, आपने देव, और तुमने भी शनि, उम्मीदें टूटेंगे तो
अब राहु क्या कदम उठाएंगे देख। तुम कर्म समिति के सदस्य हो राहु, तुम्हारे कुछ उत्तरदायित्व है और इस प्रकार सभा को छोड़ जाना श्रेयस्कर नहीं है। उत्तरदायित्व हट हट, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते शनै। मुझे मेरा उत्तरदायित्व सिखाने से पहले स्वयं की ओर देखो, क्या तुमने अपना उत्तरदायित्व निभाया? क्या तुमने न्याय किया? अवश्य, मैंने वही किया जो न्याय की मांग थी। सबको उनके कर्मों का फल दिया है मैंने। न्याय फल नहीं, छल किया मेरे साथ, छल। नहीं रहा, इस समिति के सदस्य से अधिक बड़ा पद पाने के पात्र नहीं थे तुम। यही तुम्हारा कर्म फल है, स्वीकार करो इसे। नहीं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। देव तो मैं बनकर ही रहूंगा, छल से या बल से। अब राहु वो करेगा जो इतिहास को पलट देगा। मेरे इस अपमान का परिणाम संपूर्ण देव जाति भुगतेगी शनि, और तुम भी। तुम स्वतंत्र हो रहा, परंतु सावधान, तुम्हारे कर्मों के परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। और स्मरण रखना, अहंकार, छल और कुटिलता से भरा शीश अधिक समय तक धड़ से नहीं टिकता। कहीं ऐसा ना कि तुम स्वयं एक उदाहरण बन जाओ और तुम्हें मार्ग पर लाने के लिए तुम्हारा शीश धड़ से भंग कर दिया जाए। अरे शीश तो सारी देव जाति का झुकाएगा ये राहु। तुमने मुझे वो फल दिया तो तुम्हारे अनुसार मेरे लिए उचित था। अब मैं तुम्हें वो फल दूंगा जो मेरे अनुसार तुम्हारे लिए उचित होगा। राहु प्रतिकार लेगा शनै। दिनों का जिस प्रकार से वर्गीकरण हमारे भारत में समझाया गया है कि क्यों कौन सा दिन किस प्रकार से रखा गया है, क्यों संडे मंडे नहीं रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, क्यों इन प्रकार से इनको निर्धारित किया गया, ये हमसे बेहतर या हमारी संस्कृति से बेहतर और किसी संस्कृति में नहीं सिखाया गया है कि किस प्रकार से चेतना के साथ दिन का उदय होना चाहिए। चेतना जब आती है, जब व्यक्ति को अहंकार आ जाता है चेतना के साथ, तो किस प्रकार से सोम जो मन को प्रभावित करते हैं वो बुद्धि को कुंद कर देते हैं, उसको रोकने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बल की एक तरफ से और दूसरी तरफ से बुद्धि की। इन दोनों के बीच में ही जकड़ के रखा हुआ है सोम को। यानी यूं कह लें कि अगर इस पूरे गोले को आप देखेंगे तो आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कर्म सुधारने करने का विवरण प्राप्त होता है। आप इसको अगर यूं कह लें कि ये ग्रहों की दिशा नहीं बल्कि हमें हमारे कर्तव्यों का भान कराने के लिए एक एक दिन बनाया गया है, या यूं कह लें कि एक एक दिन क्या श्रेयस्कर हो सकता है यदि हम केवल इसका चुनाव कर लें, तो शायद हमारा पूरा जीवन ही एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सिद्ध हो। प्रत्येक दिन जैसे कि हर एक देव का होता है, उसी प्रकार से व्रत रखे गए हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, या यूं कह ले कि ऊर्जावान होने के लिए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली है कि किस प्रकार से भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत शनिदेव ने दिया राहु को, कि किस प्रकार से राहु और राहु के साथ केतु भी बनेंगे, और राहु के साथ केतु बनने की प्रकरण में नौ ग्रहों की एक पूरी समीकरण तैयार हो जाएगा। अभी तो आठ ही है,
तो उस वक्त वो नौ ग्रह हो जाएंगे, राहु, केतु, शनि, शुक्राचार्य, बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम और रवि, यानी सूर्यदेव। तो बड़ा ही अद्भुत देखने का प्रकरण होगा। और शनिदेव ने यह भी कहा कि ये समस्त संसार के लिए एक एग्जांपल होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ना होने दे। सर कटा शैतान बनने ना पाए, लेकिन राहु का कहना है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते रहे। तो उन्होंने जो उनको सम्मान मिला उसको अपमान समझ लिया है, देखिए, या उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। और उम्मीदें जब टूटती हैं तो वो भी बुरे व्यक्ति की, तो वो बहुत घातक सिद्ध होती हैं। कहा जाए तो जब कोई व्यक्ति प्रबलता से किसी लक्ष्य के पीछे भागता है अंधत्व के साथ, अंधत्व के साथ का तात्पर्य ये है कि उसको ये नहीं दिखता है कि क्या मार्ग उचित है क्या मार्ग अनुचित है, वो भी एक एग्जाम्पल सिद्ध हो ही जाता है हमारे इतिहास में। जिस प्रकार से हमने महाभारत देखी, जिस प्रकार से दुर्योधन को देखा, जिस प्रकार से दुशासन को देखा, कि ये लोगों ने अपने पूरी अंधत्व के साथ पूरा बल लगा दिया। देखने वाली बात ये भी है कि अगर आप अपना जीवन जो है एक गलत उद्देश्य पे ले जाएंगे, उसी के पीछे पड़े रहेंगे, वो उद्देश्य भी आपको प्राप्त नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप उम्मीद भी आपकी टूटेगी। तो फिलहाल खत्म करते हैं ये एपिसोड, यही मिलते हैं जल्दी नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।